मुझे शीघ्र ही अंगद को हटाना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और आपके सभी महायोद्धा इस राम दूत के पांव स्पर्श करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप प्रभु श्री राम के पांव पड़ने में क्यों संकोच कर रहे हैं लंकेश? मेरे पिता के मित्र हैं आप, पिता तुल्य हैं, इसलिए आपसे अपने पांव को स्पर्श करवाना मेरे लिए पाप होगा। ये मर्यादा मैंने प्रभु श्री राम से सीखी है, इसलिए पीछे हट गया। वैसे भी मेरे चरण स्पर्श करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा लंकेश, आपका जीवन तो तब सफल होगा जब आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लेंगे, उनके पावन चरणों की महिमा मैं आपको बताता हूं लंकेश। राम पद्म चरण सुमिरो, राम पद्म चरण, इन चरणों का जग पिता ब्रह्मा भी प्रक्षाल करें, सप्त ऋषि भी इनको पूजे, योगी ध्यान धरे, छूटे जन्म मरण सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण। चरणों ने पाताल में भेज दिया, तीनों लोक को तीन ही पग में क्षण में नाप लिया, पाप करते शमन सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण। तारक चरण है जो पाषाण को कर दे अहिल्या, इन चरणों को सेवे लक्ष्मी इनसे निकली गंगा, कोटि कोटि नमन सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण। शानन अपने अहम को तज दो, समय है आप भी ये दस मस्तक राम चरण में रख दो, सबकी एक शरण सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण, राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म। बंद करो तो इस तुच्छ वानर का मुख, जितना गुणगान इसने उस वनवासी नर का किया है, उतना ही तड़पा तड़पा कर वध करना इस तुच्छ वानर का। जय श्री राम, जय श्री राम।
तो ये मेघनाद अपने मायावी दंड से हानि पहुंचाना चाहता है युवराज अंगद को। अभी देखता हूं। मेरी रक्षा कौन कर रहा है? पिताश्री, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। उस वानर का मुख खुलने से पूर्व ही उसका वध कर देना चाहिए था। चिंता मत करो पुत्र, क्षमा नहीं करूंगा मैं उसे और उसके उस वनवासी स्वामी को नाश कर दूंगा मैं सभी को। ओ! ओ! अब लंकेश रावण उन्हें अपनी शक्ति से परिचित कराएगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। तो रावण ने पुनः एक दूत को हानि पहुंचाने की चेष्टा की। हाँ प्रभु, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार उस दुष्ट रावण को सद्बुद्धि देकर धर्मोचित सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। पृथ्वी से उसके पाप कर्मों को मिटाने का मात्र एक उपाय शेष रह गया है प्रभु, उसका वध। अन्यथा उस दुष्ट रावण को रोकना असंभव हो जाएगा। सावधान, प्रतीत होता है हमारी ओर कोई मायावी अस्त्र प्रक्षेपित किया है उस दुष्ट रावण ने। लौट जाओ तुच्छ नर और वानर, अन्यथा विनाश निश्चित है। इस तुच्छ वानर का भी और इसके स्वामी इस वनवासी नर का भी। लौट जाओ, लौट जाओ। युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। हाँ हाँ, युद्ध अनिवार्य है। हाँ हाँ प्रभु, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हाँ प्रभु, हम तैयार हैं, लंका को मिटा देंगे हम।
देंगे लंका को, अपने प्रहारों से भेद देंगे लंका की सुरक्षा को, खंडित करेंगे लंका की सुरक्षा को, बांट देंगे लंका की खाइयों को, लंका में प्रवेश करेंगे हम, आ देंगे लंका के परकोटे, विजयी होंगे हम, शक्तिशाली श्री राम की। आक्रमण, 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 आक्रमण। जय श्री राम। इस प्रकार युद्ध का होना अनुचित है, मुझे शीघ्र इसे रोकने का कोई उपाय करना होगा। भयंकर आक्रमण है इन वानरों का, उनको रोकना असंभव प्रतीत हो रहा है। रक्षा करो अपने प्राणों की, युवराज मेघनाथ सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। कहीं ये अकस्मात आरंभ हुआ आक्रमण हमारी सेना पर ही भारी न पड़ जाए। देखना, रखो इन दंड बाने रखो। पिताश्री, मेरे इस बाण के प्रभाव से इन वानरों के शस्त्र हमें नहीं, इन्हें ही आहत करेंगे। ये अभेद सुरक्षा कवच कैसे उत्पन्न हो गया? सभी अपनी सुरक्षा करें, हे प्रभु हमारी रक्षा करें। भागो, 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 भागो। अपने वानर सैनिकों की रक्षा के लिए मुझे इस मायावी सुरक्षा कवच को भेदना होगा। ये वानर क्या करने जा रहा है? कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है लंका को। देखो वानर अपनी सेना पर गिरने वाला है। युवराज मेघनाथ द्वारा स्थापित सुरक्षा कवच नहीं भेद पाएंगे ये वानर। हनुमान, ये मेघनाथ की मायावी असुरी शक्ति है जिसे तोड़ना असंभव है।
असंभव इस मायावी कवच को तोड़ना नहीं, अपितु हनुमान के साहस और दृढ़ निश्चय को भेदना है मेघनाद। जय श्री राम। करो करो वानर, और अधिक प्रयत्न करो। जय श्री राम। केसरी नंदन हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की जय। आक्रमण आक्रमण आक्रमण। नहीं, रुक जाओ सब। हम प्रभु श्री राम के सैनिक हैं, इसलिए युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करना हमें शोभा नहीं देता। हमसे क्या भूल हुई है हनुमान? भूल? तुम सबने जो किया वो किसी पाप से कम नहीं था। क्या करने जा रहे थे तुम सब? क्या प्रभु श्री राम ने तुम्हें आक्रमण करने का आदेश दिया था? क्या प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण युद्ध के लिए आगे बढ़े? किस आधार और किसकी आज्ञा पर युद्ध प्रारंभ किया आपने? ये कैसे युद्ध की मर्यादा है? उत्तेजना, उतावलेपन, भावावेश में बहकर या आत्मविश्वास की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर युद्ध नहीं किया जा सकता। युद्ध नीति और नेतृत्व से ही विजय प्राप्त होती है। अपने नेतृत्व को भूलकर, बिना सोच विचार कर आगे बढ़ने की आपकी भूल से प्रभु श्री राम को कितना दुख पहुंचा होगा, इसका अनुमान भी है आपको? अब हमें चलकर प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करनी चाहिए। एक बात मैं भली भांति समझ गया हूं, इस प्रकार आप सभी के प्राण संकट में डालने की अनुमति नहीं दे सकता मैं। हनुमान उचित कहते हैं, इस प्रकार नेतृत्वहीन युद्ध करने से हमारी संपूर्ण सेना क्षतिग्रस्त हो सकती है, जो मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि आप में से किसी को भी अपने प्राण संकट में नहीं डालने दूंगा मैं, भले ही ये युद्ध मुझे अकेले क्यों ना करना पड़े। न्याय
धर्म, नीति और युद्ध के नियमों पर आधारित युद्ध ही करूंगा मैं। इसलिए महाराज सुग्रीव, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अति शीघ्र अपनी सेना के साथ यहां से लौट। दिशाहीन युद्ध करके स्वयं को क्षति पहुंचाने से अच्छा है युद्ध से पलायन करना। किसी भी दल को नेतृत्व के निर्देश के बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा दल की हानि हो सकती है।